सूत्री मांगों को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा बीआरपी सीआरपी संघ के मांगों पर की जा रही अनदेखी के खिलाफ आज धनबाद के जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर बीआरपी सीआरपी संघ के बैनर तले सैकड़ों बीआरपी सीआरपी ने एक दिवसीय धरना दिया और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। धरनार्थियों ने आरोप लगाया कि पिछली बार जो हड़ताल किया गया था उसके बाद शिक्षा विभाग के प्रधान धरनार्थियों ने आरोप लगाया कि पिछली बार जो हड़ताल किया गया था उसके बाद शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के तरफ से 40 दिनों के अंदर रिपोर्ट तैयार करने का आदेश सक्षम पदाधिकारियों को दिया गया था, लेकिन आज तक ना तो बीआरपी सीआरपी के हालत का जायजा लिया गया और ना ही वो रिपोर्ट सबमिट की गई है, जिसकी वजह से बीआरपी सीआरपी के समक्ष भूखमरी उत्पन्न हो गई है। साथ ही उन्होंने मांग किया कि जिन लोगों ने अपने 13 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया है उनके लिए समान काम के लिए समान वेतन प्रणाली को लागू करते हुए उनकी सेवा नियमित किया जाए। सरकार ने 2005 में प्रत्येक संकुल में 3 सीआरपी 3 विषयवार रहेंगे, उसी के अनुसार जिला में उसका विज्ञापन निकाला गया और सीआरपी और बीआरपी का जिला समिति डीसी के अध्यक्षता में और वीडियो के अध्यक्षता में सीआरपी बीआरपी का चयन किया गया। अभी वर्तमान में एक युक्तिकरण की चिट्ठी उसी सरकार से आती है और एक संकुल में एक सीआरपी रहेंगे, ये सरकार तो समझ में नहीं आती क्या सोच रही क्या कर रही, उसको अपने दिशा नहीं पता तो देश का दशा क्या बदलेंगे। हम लोगों की जो मांग है ये मांग नहीं है, उनने जो हम लोगों को वादा किए थे वो भी देने से इनकार कर रहे हैं। ये हमारे अच्छे दिनों की पहचान है, क्या पहचान है, 5 महीना से तो मानदेय नहीं दिया, इसके लिए काम करके लड़ना पड़ता है। ऐसा अगर यदि दशा रहा तो दिशा क्या परिवर्तन होगा भारत का, ये तो सब लोग सोच सकते हैं, लेकिन आप जान लीजिए ये 13 वर्ष गुजर चुका है, ये 14वें वर्ष में सरकार अपनी वनवास का तैयारी कर ले। बीआरपी सीआरपी वही है जो सरकार वादा करके पर डे 50 रुपए इंक्रीमेंट था उसको बंद करके फिक्स में कर दिया और आपको 10 साल से वृद्धि तक